Hello students, welcome to Unacademy. Let's crack JEE. Myself Ajay Singh Sekhawat. मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से. पिछले 6 साल से मैं एनटीएससी के लिए और वेरियस ओलंपियाड्स के लिए मैथ्स और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस ले रहा हूँ. अभी तक मैंने टोटल 20 प्लस एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर किया है, ठीक है. और उसके अलावा 2000 स्टूडेंट्स को मैंने ओलंपियाड्स वगैरह और वेरियस एग्जाम के लिए मैंने मेंटर किया है पिछले 6 साल में, ठीक है. हम वही चैप्टर जो अभी पिछले 2 लेक्चर से चलता आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और एंड करने वाले हैं, ठीक है. उससे पहले हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में, ठीक है. बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम अनअकैडमी प्लस क्यों ज्वाइन करें, ठीक है. तो इसका सिंपल सा मैं एक आंसर आपको ये दूंगा कि आप जितने भी यहाँ पे पिक्स देख रहे हो, आप इनको चेक कर सकते हो. ये इन टीचर्स ने पिछले 10-12 साल के अंदर टॉप आईआईटीएंस को, आईआईटी रैंकर्स को मेंटर किया है. चाहे वो मनोज चौहान सर हो, चाहे वो समीर सर हो, चाहे वो विनीत खत्री सर हो, इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है. और उस एक्सपीरियंस का फायदा आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करके उठाना चाहिए. उसके अलावा टाइम टू टाइम आप स्पेशल क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है. उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अनअकैडमी पे कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है. तो उससे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि आपको आगे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका ट्यूनिंग यहाँ पे बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है. उसके अलावा भी अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 11th 12th या रिपीटर बैच में हो, तो उसके लिए वीकली टेस्ट सीरीज हो JEE मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है. बाकी अगर आप चाहे सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको थ्रू मतलब बैचेज और ईयर लॉन्ग कोर्सेज के अंदर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. टाइम टू टाइम अनअकैडमी प्लस आपको क्रैश कोर्स वगैरह की भी प्रोवाइड करवाता रहता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. सबसे प्लस पॉइंट है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का फ्लेक्सिबल शेड्यूल. अगर आपका कोई लाइव सेशन मिस भी हो जाता है तो उस सेशन को आप बाद में भी देख सकते हैं और जहाँ चाहे तब चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज के भी आपके पास ऐसे कोई फाउंडेशन नहीं है. आप जिस भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तमिल हो, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अनअकैडमी आपके लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है. अनलिमिटेड प्रैक्टिस टाइम टू टाइम यहाँ पे DPPs वगैरह अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो DPP प्रोवाइड करवाई जाती हैं. उसके अलावा टाइम टू टाइम क्विजेज वगैरह भी होती रहती हैं, ठीक है. उसके अलावा आपको सीट्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है. टेस्ट पेपर वगैरह जो मैंने पीछे बताया वो तो होते ही रहते हैं, ठीक है. उसके अलावा आप जैसे ही आपका लाइव सेशन अगर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आप एजुकेटर से लाइव बातें कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. जो भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी अगर आपका डाउट, आप तुरंत क्लियर कर सकते हो, ठीक है. टाइम टू टाइम इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं, जैसे KVC के अंदर आपने देखा होगा ऑडियंस पोल, उस टाइप से यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल्स होते रहते हैं, ठीक है. उसके अलावा लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी जब चाहो तब चाहो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और जितनी बार चाहो उस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके देख सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से. उसके बाद आपका जो भी गोल है, IIT JEE है, नीट, मेंस है, फाउंडेशन, NTSC है, उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स अनअकैडमी के द्वारा उस कोर्स में, उस गोल में आपको मिलते रहें, ठीक है. मान लो अगर आपने 24 मंथ का प्लान अगर लिया है, जिसका जो टोटल पेबल फीस रहेगा 48,000, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो जो कि है ASSIRLIVE, अगर आप ये यूज करते हो, ये अप्लाई करते हो, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो आपको पेएबल अमाउंट होगा दैट विल बी 43,200, ठीक है. उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का प्लान है, 24 मंथ का प्लान है. कोई बच्चा अभी अगर 10th to 11th अगर मूविंग है, तो उसके लिए ये जो 24 मंथ का प्लान है ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर मंथ कॉस्टिंग वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है. क्योंकि अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हो तो 6,000 rupees पर मंथ है, और अगर आप 24 मंथ का प्लान ले रहे हो तो 2,000 rupees मंथ है, ठीक है. तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 8 मंथ की फीस के अंदर आपको 24 मंथ के लिए आपको प्लान वो दे रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, ठीक है. अगर मान लो कोई स्टूडेंट आइदर 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान अगर लेता है, जो जिसकी पेबल फीस है 30,000 और 48,000 है,
ठीक है, अगर वो मेरा प्रोमो कोड जॉकी है ASSIRLIB अप्लाई करता है तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलने के बाद जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा 27,000 और यहाँ पे रहेगा 43,200। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। टोटल 5 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हमने बात की थी। पहले लेक्चर में हमने लेटर लेटर और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप जाके देख सकते हैं, पहले लेक्चर में इन दोनों के बारे में बात हुई है और दूसरे लेक्चर में इन दोनों के बारे में बात हुई है। ठीक है, जो कि लेटर नंबर कोडिंग और पजल बेस्ड कोडिंग है। कॉलम कोडिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट पजल बेस्ड कोडिंग ही है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि अभी तक आपको जो पजल बेस्ड कोडिंग थी उन्हीं चीज़ों को इन्होंने कॉलम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है हर एक अल्फाबेट, हर एक वर्ड के करस्पॉन्डिंग क्या मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, देन आपको आंसर करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ए कोड लैंग्वेज वर्ड इन कॉलम वन आर गिवन इन कॉलम सेकेंड। ठीक है, डिकोड द लैंग्वेज एंड चूज द करेक्ट कोड फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उसका कोड आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना। पहले आप यहाँ पे देखिए कि करस्पॉन्डिंग रो के अंदर क्या नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम है। बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको कॉलम वन में दिया हुआ है उसका कोड कॉलम टू में करस्पॉन्डिंग रो में ही लिखा हुआ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉलम टू के अंदर ये जंबल्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉलम वन की कौन सी रो, मतलब आपको उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम हो जाएंगी। पहले तो मैच द कॉलम करो, देन आप कोडिंग डिकोडिंग करो। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एस का कोड जरूरी नहीं है वाई होगा, एस का कोड जरूरी नहीं है वाई होगा, एस का कोड इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कल पजल बेस्ड कोडिंग में किया था, ठीक है, आपको तीन वर्ड्स दे रखे थे, उनके तीन अलग वर्ड्स मतलब निकाल रखे थे, हम कॉमन निकाल रहे थे, करस्पॉन्डिंग आपको नहीं दिया हुआ था, बट वहां पे कॉमन कॉमन लेके अपन सिंप्लीफाई कर रहे थे। ठीक है, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं रो नंबर वन एंड रो नंबर टू के अंदर क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सबसे पहले एस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एस। ठीक है, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो एस का कोड तो हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो जहां जहां आपको एस दिखाई दे रहा है वहां वहां से एस आप रिमूव कर दीजिए, और साथ के साथ मैंने एक्स तो रिमूव कर ही दिया। ठीक है, तो एस यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है, तो यहां से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर टी कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है बेटा? टी कॉमन आ रहा है। इधर से कौन आ रहा है? वाई जी वाई एम ए। तो टी का कोड क्या हो जाएगा बेटा? वाई हो जाएगा। अब एस का कोड भी पता चल गया, टी का कोड भी पता चल गया, तो ई तो सिंपल ही है। तो ई का कोड क्या बचा यहाँ पे? वाई और एक्स तो जा चुके हैं, सिंपल सा क्या बचा? जी बचा। ठीक है, तो ई भी आप रिमूव कर दीजिए जी। अच्छा, यहाँ से जब ई चला जा चुका है, ध्यान से देखो एन कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। और यहाँ पे क्या रिपीट हुआ? के रिपीट हुआ है। तो एन का कोड क्या हो जाएगा बेटा? के हो जाएगा। बचा कौन? आई। तो आई का कोड क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कॉलम गया। ठीक है, तो वन बाय वन अपने को ऐसे सारे के सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, मैं अब इसके अंदर देखूं कौन दिखाई दे रहा है मुझे कॉमन? ओ दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ओ। अल्फाबेट क्या दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे कॉमन? ए दिखाई दे रहा है। अल्फाबेट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ए। जैसे ओ का ए के साथ हुआ वैसे आर का कोड क्या हो जाएगा बेटा? ई हो जाएगा। क्या कोड हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, इधर भी अगर मैं देखूं बेटा ओ जा चुका है और टी का कोड भी आ चुका है, तो पी का कोड क्या बचेगा यहाँ पे? पी का कोड बचेगा, ध्यान से देखो, वाई यूज हो चुका है, ए यूज हो चुका है, बचा कौन? एम बचा। तो ये पोर्ट वाला भी काम खत्म हुआ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ध्यान से देखो एन का कोड भी जा चुका है, आई का कोड भी जा चुका है। ठीक है, आई का कोड क्या था? पी था, रिमूव कर दो। एन का कोड क्या था यहाँ पे? देखो के था, तो उसको भी रिमूव कर दो। बचा गया जी, तो जी का कोड क्या हो गया बेटा? आर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कॉलम देखने हैं, उनके अंदर एक अल्फाबेट कॉमन आ रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके कोड में कौन कॉमन आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, वो उसका कोड हो जाएगा। बस इतना सा काम है। मानता हूँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम होगी, बट कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेज टू में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी पूछी जाती है, क्योंकि वहां पे स्टेज टू का पेपर थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोन के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, एस टी ओ एन ई।
अब जरूरी नहीं है कि एस का एस के साथ लिखा जाएगा वहां पे, तो ध्यान से देखो एस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा, जी, एक्स वाई ए के जी। ध्यान से देख लो एक्स वाई ए के जी जहां पे आपको दिखाई दे जाए वही आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है एक्स वाई ए के जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एम चाहिए नहीं था, इसके अंदर भी आर आ चुका है, इसके अंदर पी आ चुका है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? हम वापस चलते हैं एक बार। अब हमको चाहिए प्रिंट के लिए, किसके लिए चाहिए, पी आर आई एन टी, पी का कोड ध्यान से देखो क्या बेटा, फटाक से देखो एम है, आर का कोड क्या है ई है, आई का कोड क्या है, आई का कोड पी है, एन का कोड क्या है के है, टी का कोड क्या है वाई, एम ई पी के वाई, एम ई पी के वाई, ध्यान देखो एम ई पी के वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम ग्रोस, सॉरी ग्रोस के लिए। तो सबसे पहले एस का कोड तो एक्स होगा, तो डबल एक्स आ जाएगा, जी आर ओ डबल एस, ठीक है, एस का तो एक्स हो जाएगा। ओ का अगर मैं देखूँ तो ए है, आर की अगर मैं बात करूँ तो ई है, और जी के लिए अगर मैं बात करूँ तो आर है, आर ई ए डबल एक्स का यूज हुआ है, आर ई ए डबल एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है आपको, रो बाई रो मैच करना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने कॉमन है वो चेक करना, इधर से कौन कॉमन है आपको वो चेक करना है। ठीक है, तो वो उसका कोड हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ है उनका कोड, रिमेनिंग जो भी है एलिमेंट्स आपके बचे उसी के अंदर से कोड निकलेगा। ठीक है, फिर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दी जाएंगी, स्टोन का कोड निकालना है तो आप चेक कर लीजिए स्टोन बना के, तो एक्स वाई ए के जी से मिलके बना होगा, और आप चाहे तो वो सेम ऑर्डर में भी दे सकता है, रिवर्स करके भी दे सकता है, या फिर कोई भी रेंडम ऑर्डर आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स होंगी ये चीज को मैं मानता हूं, बट हो जाएंगी, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो फटाक से पहले ये कॉलम वन कॉलम टू आप लिखिए, हर रो में उसके सामने उसका कोड लिखा हुआ है, देन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके पास 5 मिनट है इसको करने के लिए, पूरे को फटाक से कीजिएगा। हो रहा है,
देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वन बाय वन अपन चेक करते हैं कि कौन किसका, मतलब कहाँ पे क्या कॉमन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ टी, यहाँ पे देखता हूँ टी, और यहाँ से निकल के आ रहा है आई, और यहाँ से निकल के आ रहा है आई, तो टी का कोड क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एन है, इसके अंदर भी एन है, ठीक है, तो हम एन का कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एन का कोड अगर आप देखोगे, इधर है के पी जी एफ, और इधर से कॉमन आ रहा है जी, तो एन का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी को रिमूव कर दो, एन में से भी जी को रिमूव कर दो, ओके। सिंपल सा यू का कोड जो है वो क्या बच गया यहाँ पे, क्यू बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन सिक्स का ये तो काम खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी हमने टी एन और यू का कोड लिख लिया है, तो टी तो ये रहा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, आगे अब चलते हैं हम। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, जी कॉमन आ रहा है, जी का कोड लिख दो पहले। तो जी का कोड कितना आ रहा है, पी, आई थिंक पी कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो पी कॉमन आ गया, तो जी का कोड भी गया, ठीक है। अभी इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ओ है, ओके। तो ओ आपने लिया होगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आया होगा, आई थिंक ई कॉमन आया होगा, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो अब अकेला डी बच गया शायद यहाँ पे, और इधर से देखूँ मैं ई जा चुका है, पी जा चुका है, तो डी का कोड क्या बच गया, एच बच गया, तो डी ओ जी भी गया, ठीक है, वेल गुड, ठीक है, ओके। यहाँ से ओ जा चुका है ना, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फिफ्थ में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एस कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर से देखिए जेड एम के जे और सी एम आर ई, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो एस भी गया, वेल गुड। अब बचा आर और ई, तो फिफ्थ एंड सेवन्थ में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, और उधर से क्या कॉमन आ रहा है, शायद सी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो आर का कोड भी हो गया। अब इधर तो अकेला बच गया ई, ठीक है, तो ई का कोड देखो, सी तो यूज हो चुका है, एम भी यूज हो चुका है, ई भी यूज हो चुका है, तो बचा आर, ठीक है। तो आर ओ एस ई भी खत्म हुआ, सिक्स वाला भी खत्म हो चुका है, फोर्थ वाला भी खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ से देखो आर का कोड मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, ई का कोड आ चुका है, ए का कोड आर आ चुका है, तो ए का कोड आई थिंक एफ बचा, ए का कोड क्या बच गया, एफ बच गया, तो सेकंड भी हो गया, ठीक है। जब ए का कोड एफ बचा है, तो एम का कोड ध्यान से देखो, एम का कोड क्या बचा होगा, सी यूज हो चुका है, आई यूज हो चुका है, एफ यूज हो चुका है, तो एम का कोड क्या बच गया, वी बच गया, ठीक है। तो सेवन वाला भी यूज हो चुका है, ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए, ए का कोड तो शायद ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा आपको, आई कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आई, साथ के साथ मुझे के भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आई का क्या हो जाएगा, और अच्छा जी का तो पहले ही आ चुका था, तो ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से आई जा चुका है। अब मैं बात करता हूँ एफ और एच की, एफ और एच, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि एफ कहीं और वापस यूज हुआ है, एच भी वापस यूज हुआ है, बट मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि एफ और एच का कोड या तो जेड होगा या फिर जे होगा, इन दो में से कोई एक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने भी इतना कर लिया होगा। प्रॉब्लम्स बड़ी इजी है, व्हाट इज द कोड ऑफ यू, ध्यान से देखो यू का कोड कितना आया था हमारे पास, क्यू आया था, तो यू का कोड कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर एम, कैपिटल एम का कोड क्या है, वी है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, कैपिटल वी हो जाएगा। एंड व्हाट इज द कोड फॉर आई, आई का कोड क्या है, के है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन आंसर कर सकते हैं, तो आंसर क्या बच गया, सी ए और डी, ठीक है, कोई दिक्कत है, पक्का, आगे कीजिए, ये तो और भी इजी है, फटाक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट है आप लोगों के पास, पहले कोड बना लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपके ऑप्शन आपको दिखाता हूँ।
हो सकता है इस बार दो कॉलम में दो से ज्यादा चीजें कॉमन आपको दिखाई दे जाए, तो बी केयरफुल, ठीक है? चलो देखते हैं, करें बेटा। आप सबसे पहले ये देखिए बी कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है? पांच जगह आपको बी दिखाई, एक मिनट, सॉरी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार में दिखाई दे रहा है बी, ठीक है? तो इन चारों में, दो तीन चार, इन चारों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? आई थिंक मेरे को फाइव दिखाई दे रहा है, मे बी पॉसिबल उसके अलावा भी कुछ और कॉमन हो, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, वन बाय वन अपन चेक कर लेते हैं, क्या ई सब में कॉमन है? बिल्कुल नहीं कॉमन है, क्योंकि ई यहाँ पे नहीं है। आई चेक करो, ये भी नहीं हो सकता। के यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं हो सकता। एल नहीं हो सकता। तो बी का कोड साफ साफ मुझे पता चल गया, फाइव होगा, ठीक है? जो जो चीजें पता चलती जाए उनको एक बार आप रिमूव करते चलो, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब बात करते हैं अपन ई कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। एक तो ई मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर एक ई मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर एक ई मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ के अंदर, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो ध्यान से देखो, उसके अलावा कुछ और कॉमन है? आई नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, ठीक है? तो ई ही कॉमन आ रहा है। अब इनमें सब में नंबर ध्यान से देखो, वन मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ई की जगह क्या आ गया? वन, वन और वन, ठीक है? अब जो बचे हुए हैं एक्स एल पी एक्स एन पी, ध्यान से देखो, एक्स एन पी एक्स एल पी, फाइव तो हो चुका था, 740, 743, 743। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, अनकॉमन कौन है यहाँ पे? एल है। कौन है? एल। नंबर अगर ध्यान से देखो, 740, 743, अनकॉमन कौन है? जीरो। तो एल का कोड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो एल को भी आप रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, जब 7 और 4 यहाँ पे भी था, 7 4 यहाँ पे भी था, तो बचा 3। और एक्स एन पी, एन का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से अपने को सारे के सारे कोड्स पता लगाने हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो हो गया है, ओके। तो एल का कोड तो मुझे यहाँ से पता चल ही चुका। अब तो एल का कोड कितना आया? 0 आया, ठीक है? एल का कोड कितना आ गया? 0 आ गया। अब बात करते हैं आई और के। इन दोनों में ध्यान से देखो, आई और के में से शायद के ही कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है? के। ओके, नंबर क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। तो के का कोड क्या हो जाएगा? 6। और आई का कोड क्या हो जाएगा? अगर आप आई का कोड देखोगे तो सिंपल सा 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो पूरा का पूरा यूज हो गया है, ठीक है? अब यहां पे देखिए, एन आपका यूज हो चुका है, बिल्कुल यूज हो चुका है, इसको हटा दीजिए। कि आपका यूज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, प्योरिटी का आपको नहीं पता है, बट आप इन दोनों को देखिए ध्यान से, इन दोनों में पी कॉमन है। कौन कॉमन है? पी कॉमन है। और इधर से अगर आप देखोगे तो 4 कॉमन आ रहा है, तो पी का कोड कितना आ जाएगा? 4। जैसे पी का कोड 4 हुआ, एक्स का कोड कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। पी का कोड कितना आ गया? 4। तो पी जब चला गया यहां से, तो बचा कौन? लेस ओनली टी बचा। और टी के लिए कोड क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 8 बचा है। क्या बचा है? 8। तो ये भी यूज हो गया। अब इसमें देख लीजिए, एक्स हो चुका हमारे पास, एल हो चुका है, पी भी हो चुका है, बी भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, के हो चुका है, एन हो चुका है, आई हो चुका है, एक्स भी हो चुका है, आई थिंक वी बचा हुआ है। वी का कोड आई थिंक 9 है। 9 कहीं यूज ही नहीं हुआ है, 9 कहीं पे यूज ही नहीं हुआ है, ठीक? तो
तो काम वही है। अब हो सकता है मोर देन वन अल्फाबेट्स कॉमन आपको दिखाई दे जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक रो नहीं, तीन तीन एक साथ रो आपको चेक करनी पड़ सकती है कि वहां पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, लेंथी प्रॉब्लम बनेगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है बाइक का कोड क्या होगा, ठीक है, तो BIKE, बाइक मतलब 5 2 6 1, 5 2 6 1, वेरी गुड, ऑप्शन ए। फिर उन्होंने पूछा है पिन प्लस निप कितना होगा, PIN, P मतलब 4, I मतलब 2, N मतलब PIN, वेर इज N, 3, और इधर हो जाएगा 3 2 4, क्योंकि NIP तो पूछा है 747, आंसर इज 747, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स का पूछा गया है, तो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में ही आपको यूज करना है, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हर एक अल्फाबेट के लिए क्या नंबर होगा ये हमने आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद हमने क्या किया कि जो जो कोड्स आपको दिए गए उनके करस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स बनाए। अभी तक हम अल्फाबेट टू अल्फाबेट कर रहे थे, अभी हमने अल्फाबेट टू नंबर किया है, ठीक है। फटाफट देखिए, इन कॉलम फर्स्ट बिलो सम वर्ड्स आर गिवन, इन कॉलम सेकंड देयर कोड्स आर गिवन बट दे आर नॉट अरेंज इन द सेम ऑर्डर, मतलब करस्पॉन्डिंग रो के सामने करस्पॉन्डिंग ऑर्डर नहीं है, उसका कोड उसके सामने नहीं लिखा हुआ, बाकी सारी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए करस्पॉन्डिंग रो के लिए चीज आइडेंटिफाई करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट के लिए हम बता नहीं सकते कौन है, पहले हम जिसके लिए बात कर सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं, दिख गया, ठीक है। एड्रेस वाला देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आई थिंक इसका जो मैचिंग होगा दैट विल बी एफ से होगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मुझे डायरेक्टली क्लियर क्लियर दिखाई दे रही है कि डी और एस का जो कंबाइंड कोड होगा दैट विल बी ओ और पी, क्या होगा, ओ और पी होगा, क्योंकि एग्जैक्टली डी वहां पे दो बार है और यहां पर ओ और पी दो बार है, तो डी एस का कोड जो होगा वो और ए ओ पी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच गए, क्या बच गया, ए आर ई बचा, क्योंकि डी और एस तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इधर से कौन बचा, बी एल बी बचा है, कौन बचा है, बी एल बी। तो ये चीजें मेरे को जहां जरूरत पड़ेंगी मैं वहां पे इनको यूज कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर मैं देखू सी आर यू एक्स, इसका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा, ठीक है। सी आर ओ एन वाई 5 का है, 1 2 3 4 5 6, क्राउडी का हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। अब 1 किसके साथ मैच करेगा ये थोड़ी देर में अपने को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ये भी तो देख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, सी आर ओ एन वाई में 4 और इसमें भी 4 अल्फाबेट सेम है, तो जो भी इसके साथ मैच करेगा ना, जे के, ठीक है, वी टी, आई थिंक ये इसके साथ मैच करेगा क्योंकि इसमें 4 अल्फाबेट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो साउंड का क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें इन दोनों में कितने कॉमन्स हैं, आई थिंक सी कॉमन, आर कॉमन, ओ कॉमन, वाई कॉमन, पक्का कॉमन कौन नहीं है, एन कॉमन नहीं है, कौन नहीं है, एन। तो क्या मैं एन का कोड लिख सकता हूं, कैसे, इन दोनों में देखो कौन कौन कॉमन है, आई आई तो है नहीं शायद, जे है, के भी है, टी भी है, वी भी है, तो एन का कोड साफ साफ मुझे दिखाई दे गया यहाँ पे आई होगा, क्या होगा बेटा, आई। क्लियर हुआ ना कैसे किया हमने, यहाँ पे हमने चेक किया कि कौन कौन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है ऑब्वियस सी बात है वही कोड किसका हो जाएगा, आई का हो जाएगा, सॉरी एन का हो जाएगा, ठीक है। तो एन को अपन बाद में बात हटा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो NET, अब एक उससे पहले मैंने चीज बनाई थी ARE बनाई थी, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। NET का कोड क्या है, ABI, इसका कोड क्या है, BLV। NET और ARE में कौन कॉमन आया, E कॉमन आया, कौन कॉमन आया, E कॉमन आया, ठीक है। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, तो E का कोड क्या हो जाएगा, B।
अब ध्यान से देखो, एन का कोड भी पता चल चुका है मुझे, ई का कोड भी पता चल चुका है, बचा कौन टी। टी का कोड कौन बच गया? सिंपल सा ए बच गया। टी का कोड क्या बच गया? सिंपल सा ए बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता चलती जाएंगी वैसे वैसे इनको सिंप्लीफाई करता रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं वन बाय वन। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है? सी आर यू एक्स। ठीक है, यहाँ पे कौन है? ए आर ई। तो पहले कौन कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे? आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी एल वी। और यहाँ पे क्या कोड है? सी जे एम वी। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आर का कोड क्या हो गया? वी आ गया। जब आर का कोड पता है मुझे, ई का कोड पता है मुझे, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। ठीक, तो वन बाय वन अपन को सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ कौन कॉमन है? ओ, सिर्फ ओ ही कॉमन है शायद। कौन कॉमन है? ओ ही कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एस तो है नहीं, यू है नहीं, एन एक में ही है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का कहाँ पे था? ये था। ठीक है, इसका यहाँ पे था। ठीक है, और ये रहा। इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सी डी और ई में क्या कॉमन आ रहा है? आई थिंक के कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ओ का कोड क्या हो गया? के हो जाएगा। ओ का कोड क्या हो जाएगा? के। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन एस। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सॉरी, या तो एस और डी दोनों ही कॉमन है। ठीक है, एक सेकंड एंड सिक्स्थ। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? डी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? डी। तो पहले हम डी का कोड पता कर लेते हैं, क्योंकि डी का कोड पता चल जाएगा तो एस का कोड भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओ पी, मैं डी के लिए चाह रहा हूँ ना, तो मुझे पता है डी का कोड या तो ओ होगा या पी होगा। ठीक है, इधर भी ओ पी आ रहा है। ठीक है, क्राउडी, सिर्फ ओ आ रहा है, तो डी का कोड ओ आ जाएगा और एस का कोड पी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, फटाफट देख लेते हैं। कोड फॉर ए, ए का कोड एल आ चुका है, ए का कोड एल आ चुका है। कोड फॉर सी, कोड फॉर सी, सी अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, फटाक से हम कर लेते हैं। एक दो तीन। ठीक है, एक दो तीन, इन तीनों में अगर मैं देखूं तो सी और आर कॉमन है। क्या कॉमन है? सी और आर कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ पे ये दो रहे, और इसका है सी जे एम वी। आई थिंक जे और वी कॉमन आ रहा है, सी और आर के लिए जे और वी कॉमन आ रहा है, बट हमको पता आर का कोड वी है। जब आर का कोड वी है तो ये तो वी से भी चला जाएगा, तो सी का कोड क्या बच जाएगा बेटा? जे बच जाएगा। तो सी का कोड कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बट हम कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा टाइम थोड़ा लग रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे देखता ए का कोड तो मैं डायरेक्टली ए वाले पे ही जाता और उसके हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता, क्योंकि ए आर वी का कोड क्या है? बी एल वी है। ओ सॉरी, तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर अपने पास, सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आर और ई का कोड निकाल के देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस को एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ये जो अपन बात कर रहे हैं सिंबल कोडिंग। अभी तक अल्फाबेट से अल्फाबेट हो रहा था, अल्फाबेट से नंबर हो रहा था, अब अल्फाबेट से इन्होंने सिंबल यूज किया, इसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। आपको ये बोला गया, ध्यान से देखिएगा, कि एन ओ सी आई ई इज रिटन एज, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं इन्होंने। ठीक है, ओके, सिंबल्स यहाँ पे इन्होंने पांच यूज किए हैं। ज़रूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो, क्योंकि अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो एन की जगह क्या डॉलर यूज हो रहा है, यहाँ पे एन की जगह पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है,
अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर कॉइन, कॉइन का कोड क्या होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, कॉइन यहां से मैं बना सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा उसके अंदर ये चारों सिंबल तो होंगे ही होंगे, ये चारों सिंबल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एट द रेट डॉलर, ठीक है, या फिर मैं इन दोनों की बात करूं, SCENT, ठीक है, तो आई थिंक टी ही ज्यादा है और एक एस ज्यादा है। एस और टी सिमिलर नहीं है, मतलब एक तो पावर का साइन, ठीक है, और एक आई थिंक हैशटैग तो है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो क्यों, क्योंकि मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो जो आंसर होगा मेरा इन पांच में से कोई चार का कॉम्बिनेशन होगा, पहली चीज तो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा उसके अंदर हैशटैग और स्टार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैशटैग और स्टार जो कोड है वो एस और टी का है, ठीक है। तो हैशटैग ये यहाँ पे नहीं हो सकता, सॉरी, एट द रेट, सॉरी, पावर का सिंबल आपका आंसर नहीं आ सकता है। क्लियर है एक चीज, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हैशटैग है, क्वेश्चन मार्क है, डॉलर है, एट द रेट है, यहाँ पे भी आई थिंक वही चीज़ें यूज हो रही हैशटैग है, एक परसेंटेज का साइन और आ गया, ठीक है। अब ये डिसीजन अपने को लेना पड़ेगा कॉइन और सेंट में से। ध्यान से देखो, CEN, सॉरी, सी और एन, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी और एन, ठीक है, उनमें से कौन मैच कर रहा है वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को आंसर यहाँ पे ठीक करना होगा। तो फटाक से आप बताइएगा क्या आंसर यहाँ पे निकल के आ सकता है, फटाक से आप बताइएगा। इन दोनों को मैच कीजिए, NOCIE और SCENT को मैच कीजिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों को अगर मैं मैच करता हूँ, CEN दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे O और I एक्स्ट्रा है, O और I एक्स्ट्रा है, यस और नॉट, पक्का, ठीक, आगे चलते हैं। अगर दोनों में ये चीज़ है, सिंबल कौन से कॉमन आ रहे हैं, परसेंटेज का कॉमन आ रहा है पहली चीज, ठीक है, हैशटैग का कॉमन आ रहा है और एट द रेट का कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर CEN ये था तो इसका मतलब ये हुआ कि O और I के लिए, O और I के लिए एक तो डॉलर यूज हुआ होगा और एक क्वेश्चन मार्क यूज हुआ होगा, मतलब डॉलर और क्वेश्चन मार्क मेरा आंसर में होना ही चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉलर और क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अपन ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तीनों सिंबल एक साथ नहीं भी आने चाहिए, क्यों, क्योंकि सीई एन में से सी और एन तो है बट ई नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला देखिए, ट्वेल्थ वाले को आप रफ कर दीजिए क्योंकि टेक्स्ट की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, सिंबल्स यहाँ पे कॉपी नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं। 13th आप एक बार देखिए, आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है, कैसे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप मैचिंग करोगे बेटा, ध्यान से देखो, डायरेक्ट कोडिंग लिखी हुई है, इन दोनों के अंदर अगर मैं देखूँ, आर और ई कॉमन है, क्या कॉमन है, आर और ई, और आर और ई की जगह क्या है, एड, सॉरी, परसेंटेज और हैशटैग का साइन है, यहाँ पे देखिए क्या है, परसेंटेज और हैशटैग का साइन है,
ठीक है, ये दो चीज़ें आपको कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग कोडिंग को रिप्लेस किया गया है। तो मुझे अब बात करनी है ए, तो ए के लिए यहाँ पे मैं देखूँ सेकेंड लास्ट है जो कि क्या होगा नाइन, तो नाइन से स्टार्ट होना चाहिए, दैट्स गुड। देन उसके बाद क्या है आर, आर के अगले अगर मैं देखूँ तो परसेंटेज का साइन आना चाहिए सेकेंड नंबर पे, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए और बी तो गया, ठीक है। फिर बात करता हूँ टी, टी तो क्या है यहाँ पे देखो सेवन से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड पे क्या आना चाहिए सेवन आना चाहिए, बाकी आप चेक करो या फिर मत करो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। अच्छा मैं जाते जाते एक प्रॉब्लम दे के जा रहा हूँ, जो भी आप उसको सॉल्व कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है, शायद आपने ये प्रॉब्लम सुना भी होगा, ठीक है। प्रॉब्लम इज इफ टी ए टाइम्स आई इक्वल्स टू कैब, टी ए टाइम्स टाइल इक्वल्स टू क्लॉथ, ठीक है, देन व्हाट इज टी ओ टाइम्स इन, ठीक है। तो ये एक बार आप सोचिएगा इसका क्या आंसर आ सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग हमने पांच टाइप की कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर, अल्फाबेट टू सिंबल, पजल बेस्ड एंड कॉलम कोडिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा डीपीपीज वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे अनअकेडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो, तीनों लेक्चर्स अगर आपको लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक्स बहुत कम है, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो चैनल पे जो भी अपडेट्स होते रहते हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप अनअकेडमी प्लस के ऊपर आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे मेरा रेफरेंस कोड है, रेफरल कोड है ASSIRLIV, आप यूज करके वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करते ही आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।